उसमें सबका अच्छा योगदान हुआ और अच्छा गाने का प्रोग्राम होने से सबको सबसे अच्छा लगा। बस ये बाकी सबका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। विशाल करने जी उन्होंने जो आयोजित किया वो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। विशाल भाऊ काय करणार आज पाचवा वर्धापन दिवस आहे दैवज्ञ समाज आपण वारंवार याच्या पुढे पण बघितलं तर काम दैवज्ञ समाज काय सांगेल तुम्हाला। आपण गेल्या 5 वर्षात केलेली कामं आपण सर्व पत्रकार बांधवांनी अशीच आमच्या समाजातील इतर लोकांपर्यंत पोहोचवा म्हणजे हा 5वा नाही आपण 50व्या वर्धापन दिनापर्यंत पोहोचू। आजचा कार्यक्रम खरं म्हणजे आचारसंहिता होती, अनेक परवानग्यांचे प्रॉब्लेम होते, परंतु आमचे युवा नेते संजय दीना पाटील साहेब उभे राहिले, त्यांनी सांगितलं वर्धापन दिन कार्यक्रम हा दिवशीच होणार, आचारसंहिता असेल, कार्यक्रम समाजाचा आहे, समाजाच्या लेवलला तुम्ही करा, आणि त्यांनी दिलेल्या शुभेच्छा ज्या आहेत त्या शुभेच्छांच्या स्वरूपामध्ये आज हा जनसमुदाय इथे आला होता। भाऊ काही कारणास्तव येऊ शकले नाही आहेत इथे, परंतु त्यांच्या शुभेच्छा आम्हाला आहेत, आमच्या शुभेच्छा त्यांना आहेत। आज के प्रोग्राम में मुझे यहाँ पे बुलाया है, इसके लिए मैं समिति का बहुत आभारी हूँ। मुझे ये अवार्ड दिया है उसके लिए भी बहुत आभारी हूँ, और मैं चाहूँगा कि समिति के लिए मैं और कुछ करूँ ये मेडिकल फील्ड में, इसलिए विशाल करने साहब से बहुत 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 दिल से आभार। दैवज्ञ सन्मान क्रीडा विभाग नरेश सुंदरकर कुठे असतील, नरेश शिंदरकर जिथे कुठे असतील त्यांनी कृपया स्टेज वर यायचं आहे। नरेश शिंदरकर, नरेश या गुंडू काका या सगळ्यांना सर क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेके, इतना सक्सेस प्रोग्राम हुआ है, काफी सिंगर आए, उन्हें पता लगा है प्रोग्राम में, क्या कहना चाहेंगे। अभी इसमें दो तरीके के तड़के हैं, एक हमारी महिला सेना है जो शिल्पाताई है जो सबका नेतृत्व करती है, इनका इंस्पिरेशन है और ये प्रोग्राम को हाँ बोलती है तो हम प्रोग्राम अरेंज करते हैं। अभी इन्होंने प्रोग्राम इतना अच्छी तरीके से किया है कि सब लोग यहाँ से खुश होके गए हैं। अभी 12 बजने को आ रहे हैं तभी भी जनता जाने को रेडी नहीं है, उनको और भी एक दो सॉन्ग सुनने हैं। अभी ये इवेंट को चालू करके अभी इनका आज का दूसरा प्रोग्राम था लाइव शो, लेकिन सब लोग इतने अच्छी तरीके से फिट हो गए ये फॉर्मेट में कि ये सब लोग प्रोफेशनल सिंगर्स करके अभी मार्केट में, आज हमारी सोनल मैडम है, आज के दिन का उनका दूसरा शो है, पहला शो करके थाना में अभी वो दूसरा शो करने के लिए यहाँ आई है। तो ये सब टीम वर्क अच्छा चल रहा है और सबकी अच्छी शुभकामनाएँ है तो ये प्रोग्राम ऐसे आगे चलते रहेगा। पाँचवा साल है, ये पाँचवा साल में स्पेशल ऐसा था कि हमने कैटेगरी की थी कला, उद्योग, आरोग्य, शैक्षणिक, सामाजिक, और ये सारे क्षेत्रों में जो जो हमारे मान्यवर लोग थे जिनका कार्य उल्लेखनीय था वो कार्य को सराहने के साथ साथ में उनका मनोरंजन करने के उद्देश्य से ये वर्धापन दिन और सासों की सरगम, जो शिरीष जी देवरुखकर हमारे ब्रांड एम्बेसडर है ये सासों की सरगम के, अभी वो सिंगर है के डांसर है वो आप खुद ही अभी डिसाइड करो, उनका परफॉर्मेंस जो हुआ है वो वीडियोस देख के। तो ऐसा है वो टोटल मिलजुल के पूरा एक इवेंट का प्लान किया था, अभी लगभग 650 लोग यहाँ पे हाजिरी दे के गए हैं, रजिस्टर में उनके नाम दर्ज हो गए, तो काफ़ी तौर पे प्रोग्राम अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया हुआ है। ईशान्य मुंबई जिले में जो काम हो रहा है ये समिति के माध्यम से, उसमें डॉक्टर निनाद रांगनेकर है, शरद जी कसवनकर, सुभाष जी नार्वेकर, मयंक बुरके है, और हमारे जो साथी लोग हैं इनके साथ में इनका जो कार्य चालू था वो कार्य को सराहने की एक ज़रूरत थी, समाज को दिखाना था कि कार्य ऐसा भी होता है, एक अलग तौर पे अलग डायरेक्शन में
जैसे ये 21st सेंचुरी जा रहा है वो डायरेक्शन में हम ये समाज को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ लोगों को अप्रिसिएशन यहाँ पे कराया गया, उसके लिए नॉमिनेशन मंगाए गए थे। हर एक कैटेगरी में 10-10, 12-12 नॉमिनेशन आए थे। फिर हमारे जो सीनियर मेंबर्स है, भाई इरलेकर है, दांडेकर है, मालनकर, ये लोगों ने वो सबको फाइनल करके फिर उनको अवार्ड वगैरह डिक्लेयर किया गया। राजनीति के लोग भी कुछ आए थे तो क्या उनसे कितना सहयोग मिलता है आपको? अभी इसमें राजनीति का कोई लोग ऐसे आया नहीं है। हमारे संजय भाऊ पाटिल हमारे नेबर है, हमारे बिल्डिंग में रहते हैं और वो हमारे समाज का एक भाग है। वो मराठी है, हम मराठी है, सब मराठी है, तो वो प्रोग्राम में आ जाते हैं। अभी सबको हमने इनविटेशन दिया हुआ था, तो आचार संहिता चल रही थी तो सब लोग ने आना पसंद नहीं किया, लेकिन भाऊ की तरफ से यहाँ पे अभी उनके प्रतिनिधि सुमित जी आए थे, उन्होंने शुभेच्छा दी है, तो भाऊ की शुभेच्छा हमेशा हमारे पास रहती है, तो उनके तरफ से अभी आशीर्वाद हमको मिला है ये प्रोग्राम के लिए। इस तरह के प्रोग्राम करना यानी बड़ी समस्या रहती है पैसे की, तो हमारे विशाल जी हमेशा सदा खड़े रहते हैं पीछे, आप सिर्फ गाते रहो हमारा इकोनॉमिकल सब देख लेंगे, इसी वजह से हम बिना टेंशन के गाते हैं, नाचते हैं और धूम मचाते हैं। बस इतना ही। एज में भी काफ़ी एनर्जी है आपके अंदर, तो क्या है था? ये लोगों का प्यार है जो मुझे दिन ब दिन जवान करते जा रहा है, बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। देखिए जहाँ तक खुश तो बहुत हूँ खैर, मगर जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज अलग अलग घटकों से बनता है, अलग अलग लोगों से, अलग अलग विचारों के लोग अपने आसपास रहते हैं, मगर ऐसे फंक्शंस या ऐसी जो भी गतिविधियां आज दैवेद्य समाज की तरफ से हो रही हैं, ये तभी हो सकती है जब सारे लोग एक धारा में विचार करें, समाज की उन्नति के लिए विचार करें। और मैं अपने तौर से सभी कार्यकारिणी के सभासदों को ये एक आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने एक दैवेद्य पोर्टल के बारे में, जॉब के लिए जो पोर्टल खोला है उसके बारे में बताया। देखिए बहुत कम लोग हैं जो अपने समाज के लिए इतना सोचते हैं, अपना समय देते हैं। हम पहले ही अपने घरेलू समस्याओं में जकड़े हुए होते हैं, काफ़ी सारे काम की समस्याएं, हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, मगर हर एक तरीके की समस्या को दूर रख के समाज के बारे में इतना सोचना, उसके लिए सबसे मूल्यवान अपना समय देना, ये सब ये लोग कर रहे हैं। और इन बहुत सारी शुभकामनाएँ। आज 5वां वर्धापन दिन है, मैं चाहूँगी इसे 500 वर्धापन दिन ज़रूर। बिफोर रोल ये मेन संयोजक है आज के इवेंट के और ये सह संयोजक है। आप दोनों ये संयोजक हैं तो क्या कहना चाहेंगे, सबसे प्रोग्राम हो रहा है, कितनी खुशी मिल रही है और कितना उत्साहित है अगले प्रोग्राम कराने के लिए? देखो खुशी तो बहुत मिल रही है, इतना ये बड़ा कार्यक्रम हम लोग ने किया, मतलब इसमें हम लोग सिर्फ संयोजक है, लेकिन जो सपोर्ट विशाल जी से मिला है वो सपोर्ट हमको मतलब हर बार मिलता है। ऐसा नहीं है कि आज ये कार्यक्रम है तो नहीं, उनका जो डेली रूटीन है उसमें भी वो प्रोत्साहित करते रहते हैं कि लोगों से मिले, लोगों से मिलो, लोग क्या करते हैं, लोगों से कनेक्ट रहो। इसके वजह से ये प्रोग्राम इतना सक्सेस हुआ कि हम लोग लास्ट 5 साल से लोगों से कनेक्ट हैं। लोग हमारे प्रोग्राम के लिए लोग बोलते हैं कि आपका प्रोग्राम रहेगा तो वो हमका बहुत अच्छा रहेगा, और लोग मतलब लोग आते ही आते हैं कि भाई ये प्रोग्राम जो है ये प्रोग्राम सक्सेस प्रोग्राम है, और लोग बोलते हैं कि ये लोग अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं तो इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो लोगों का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ पहले कि उनका सपोर्ट बहुत अच्छा है हमारे लिए, और ऐसे शिरीष जी, शिल्पा मैडम, उनके जैसे बहुत कलाकार हमारे जो पास हमारे पास जो है, वैसे हम बहुत सारे मतलब अभी 1-2 हुए हैं, वैसे हम लोग 100-500 शो करें। आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहेंगे कि हमारी इस छोटी सी उम्र में हमें विशाल करने जैसा एक आइडियल मिला, एक सपोर्टर मिला, उन्होंने हमें मतलब प्रॉपर शेपिंग करने का जो काम किया है उसके उनके ही माध्यम से हम अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे ही आगे बढ़ के उनको सपोर्ट करके, उनके आज्ञा में रह के ऐसे आगे अच्छे अच्छे शो करके ये मतलब।